हेलो फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप चैनल में आपका स्वागत है। आज हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सीटेट और यूटेट यूपीटेट में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। फल, चावल, मांस, दूध, अनाज में विटामिन B1 पाया जाता है। नेक्स्ट है, रासायनिक नाम रेटिनॉल किसका नाम है? तो ये विटामिन ए का नाम है। और विटामिन ए जो पाया जाता है, गाजर और पपीता में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो पाया जाता है, खट्टे फलों नींबू संतरा में पाया जाता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों से खून आने लगता है। नेक्स्ट है, स्टार्च किससे संबंधित है? तो स्टार्च जो संबंधित है, ये ग्लूकोज से संबंधित है। और इसका जो फॉर्मूला है, C6H12O6 है। शहद में क्या पाया जाता है? तो शहद में फ्रक्टोज पाया जाता है। दांत का शिखर बना होता है, दांत का जो शिखर होता है, ये डेंटाइन का बना होता है। दांत की बाहरी परत को कहते हैं, तो दांत की जो बाहरी परत है, इसको एनेमल कहते हैं। नाक व कान में क्या पाया जाता है? तो नाक और कान में कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज के नाक और कान बने हुए होते हैं। पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन एक तरह का हार्मोन है जो हमारे स्टमक में पाया जाता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन कहाँ होता है? तो ये होता है यकृत में। दांत कठोर किसके कारण होते हैं? तो दांत जो कठोर होते हैं, फ्लोरिन के कारण होते हैं। और अगर इसमें हमारी बॉडी में इसकी कमी हो जाए तो फ्लोरेसिस रोग हो जाता है। और जो हमारी ह्यूमन बॉडी में जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, वो होता है इनेमल। क्वेश्चन देखिए, पित्त का मुख्य कार्य क्या है? तो पित्त का जो बाइल जूस होता है, इसका मुख्य कार्य है पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सीकरण करता है, भोजन को क्षार्य बनाता है। इसमें जल, लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टैकोलेट, सोडियम कार्बोनेट आदि पाए जाते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने विटामिन की खोज की थी। डीएनए में होती है, तो डीएनए में क्या होती है? डीएनए जो बना होता है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना हुआ होता है। यकृत द्वारा बनाया गया है। पित्त जो है पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में किसके द्वारा पहुंचता है? तो सिस्टिक डक्ट के द्वारा पहुँचता है। किसे मिल्क प्रोटीन कहते हैं? तो केसिन को हम मिल्क प्रोटीन कहते हैं। रेनिन का कार्य क्या है? रेनिन दूध में पाए जाने वाले केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलता है। रेनिन जो हार्मोन होता है, बच्चों में बहुत पाया जाता है, क्योंकि बच्चे दूध पीते हैं और जो व्यक्ति दूध कम पीता है उसमें ये रेनिन हार्मोन कम निकलता है। आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्लों में डिग्रेडेशन होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। और इस सूर्य के रोशनी में, सुबह की रोशनी में और फिश के लीवर में पाया जाता है। किडनी की इकाई को क्या कहते हैं? तो किडनी की जो स्मॉलेस्ट सेल होती है, इसको नेफ्रॉन कहते हैं। रीजेनरेशन किस में मिलता है? तो ये प्लेनेरिया में मिलता है। समवृत्ति अंग यानी एनालॉगस ऑर्गन है, तो चमगादड़ व तितली के जो पंख होते हैं, ये क्या करते हैं? एक तरह का समान कार्य करते हैं, तो इन्हें हम समवृत्ति अंग कहते हैं। नेक्स्ट होते हैं समजात अंग, जो कि उत्पत्ति में समान होते हैं और वो कार्य उनका अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने। आर्कियोप्टेरिस किन का संयोजक था? तो ये था सरीसृप व पक्षियों का, क्योंकि इसमें जो है दोनों तरह के गुण पाए गए थे। वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं? तो वृद्धि वलय जो ग्रोथ रिंग होती है, वो ट्रीज में मिलती है और ये कैम्बियम के डिवीजन से बनती है। इससे हम ट्रीज की एज का भी पता लगा सकते हैं। अनिषेक फल कैसा होता है? तो वो फल जो बिना परागण और निषेचन के बन जाता है, इसको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? तो ये हुई थी प्लायोसीन युग में। चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की थी? तो क्रो-मैग्नन मानव ने चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सबसे पहले की थी। बचाव व भोजन पकाने के लिए सर्वप्रथम अग्नि का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था जावा मानव ने। मानव विकास कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मध्य एशिया में। कौन मानव का निकट संबंधी है? तो गोरिल्ला जो है सबसे निकट संबंधी है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आयरन। किस युग में कोई जीवन नहीं था? तो एजोइक में कोई जीवन नहीं था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने।
उत्परिवर्तन का कारण क्या होता है? तो उत्परिवर्तन जीन में, डीएनए में या क्रोमोसोम्स में जब परिवर्तन होता है तो उत्परिवर्तन होता है, जिससे जो है बॉडी में जो है चेंजेस आ जाते हैं, तो इसी को हम उत्परिवर्तन कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, पैलेंटोलॉजी अध्ययन है। तो पैलेंटोलॉजी जो है फॉसिल्स यानी जीवाश्मों का अध्ययन है। डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहा जाता है? तो ये मीसोजोइक को कहते हैं। जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प से हुई थी? तो ये हुई थी प्री कैम्बियन युग में जो है जीवन की उत्पत्ति हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये थे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।